सो आई होप आप सबको पता है कि अभी यूफा यूरो कप 2024 चल रहा है जर्मनी में, और वहां पे टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और वहां पे टूर्नामेंट अच्छे से चल रहा है। तो कल एक मैच था नेदरलैंड्स वर्सेस टर्की का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच हो रहा था नेदरलैंड्स और टर्की का, और उसमें नेदरलैंड्स ने टर्की को हरा दिया 2-1 के फाइनल स्कोर लाइन से। तो इसको लेके नेदरलैंड्स में बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं। क्या हो रही हैं ये देखिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमको ये समझना पड़ेगा कि टर्की एक इस्लामिक कंट्री है, और ये जो लोग थे जो अभी चिल्ला रहे थे, ये सब के सब टर्की के लोग हैं। दे आर ऑल टर्किश मैन हु केम टू नेदरलैंड्स टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, फॉर बेटर इनकम, फॉर बेटर एजुकेशन एंड स्टफ। और जब वो रहते हैं नेदरलैंड्स में, लेकिन जब नेदरलैंड ने टर्की को हरा दिया, तो वो नेदरलैंड्स की टीम को गाली दे रहे हैं। यही है इस्लाम का सबसे बड़ा फिलोसफी। आप कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी खाएं, कहीं पे भी पिए, कुछ भी करें, योर ओनली लॉयल्टी इज टुवर्ड्स उम्मा, योर ओनली लॉयल्टी इज टुवर्ड्स जिहाद, योर ओनली लॉयल्टी इज टुवर्ड्स इस्लाम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग टर्की छोड़ के नेदरलैंड्स में आए ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज पा सके लाइफ में, बट इवन देन दे आर मच मोर अलाइन टुवर्ड्स अब्यूजिंग नेदरलैंड्स जस्ट बिकॉज नेदरलैंड्स डिफीटेड टर्की इन अ फुटबॉल मैच। ये इस्लाम का सच्चाई है। सो इसको ध्यान में रखिए, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और मैं बताते रहूंगा, बट कीप दिस इन माइंड, और अपने आप को अवेयर कीजिए थोड़ा कि कैसे इस्लाम पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।